हेलो दोस्तों, आप सभी का सबसे के जानने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एमसीएन के बारे में कि एमसीएन क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है। अगर आप एमसीएन ज्वाइन करते हो तो आपको किस किस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है और किस किस चीज़ का नुकसान होगा, तो ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखना एंड तक, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि YouTube पे हम चैनल बनाते हैं तो हम एडसन ज्वाइन करते हैं, जिससे हमें एड्स मिलती हैं। और जब हम एडसन ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो 45% है वो जाता है YouTube को और जो 55% है वो मिलता है हमें। तो एडसन से जो भी एड आती है उसका 45% रेवेन्यू हम YouTube को दे देते हैं, तो 55 हमारे पास बचता है। लेकिन अगर हम एमसीएन ज्वाइन करते हैं तो हमें उसमें भी और ज़्यादा पैसे काट के मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 45% तो YouTube लेगा ही लेगा, चाहे आप MCN ज्वाइन करो चाहे Adsense ज्वाइन करो। MCN भी एक तरीके से Adsense का ही काम करता है। आपका जो अर्निंग Adsense पे हो रही थी वो Adsense से होना बंद हो जाएगी, वो सारी अर्निंग होने लग जाएगी MCN पे, जब आप MCN ज्वाइन कर लोगे। अब क्वेश्चन आता है कि MCN क्या लीगल है अगर YouTube वाले ज्वाइन करेंगे, तो ये बिल्कुल लीगल है, ये वेरीफाइड है YouTube की तरफ से। अब MCN ज्वाइन करने के फ़ायदे ये हैं कि इसके ऊपर एड्स ज़्यादा आती है, एड ज़्यादा आती है। अगर एडसन पे अगर आपकी 4 ऐड आएगी तो वो 4 ऐड तो एमसीएन पे आएगी, उसके अलावा भी एड्स आपको मिलेगी जो कि एक्सटर्नल एड्स होती है, जो कि लंबी बिना स्किपेबल एड होती है वीडियो, जिसमें आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको परसेंटेज बता देता हूँ कि एमसीएन आपसे क्या लेता है। एडसन तो आपसे कुछ नहीं लेता, क्योंकि वो सिर्फ यूट्यूब लेता है और आपकी होती है, एडसन सिर्फ आपको एड्स देता है। लेकिन एमसीएन क्या करता है, एमसीएन जो आपकी 55% आपको मिलती है YouTube के काटने के बाद, उसमें से भी कुछ ना कुछ परसेंटेज वो लेता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी डील उससे कितने में हुई है। वो आपसे 40%, 50%, 30%, 10% कुछ भी ले सकता है, जितने में आपकी डील होती है। तो MCN को ज्वाइन करते टाइम आपको सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़रूरी है। आप टर्म एंड कंडीशन ज़रूर पढ़े और उनसे जो भी परसेंटेज बनती है आप उनको बोल दे कि मैं इतने परसेंट दूंगा, अगर आपको ज्वाइन करना है, करवाना है मुझे, तो आप करवा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 20% से ज़्यादा कभी भी मत मानना। अगर आपकी, देखो मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 45 रुपीज़ आपके यूट्यूब को चले जाते हैं, एडसन में आपको 55 रुपीज़ मिल जाते थे। लेकिन एमसीएन में क्या होगा, 100 रुपये कमाओगे तो 45 रुपीज़ आपके यूट्यूब पे तो जाएंगे, और जो 55 रुपीज़ होंगे उसमें से 20% आपको एमसीएन को देना होगा, अगर 20% पे बात बनती है तो। तो 20% आपका हो गया 5.5 11 रुपीज़, मतलब 11 रुपीज़ आपके चले जाएंगे एमसीएन को। फिर उसके बाद आपको बचेगा 44 रुपीज़, तो 44 रुपीज़ यानी पूरे 100% में से आपका 44% आपको मिल रहा है, एक तरीके से देखा जाए एमसीएन ज्वाइन करने के बाद, जो कि पहले 55% मिल रहा था। अगर आपकी डील 20% पे होती है, 20% से ऊपर आपको डील करनी भी नहीं चाहिए, मेरा कहना है। लेकिन एमसीएन ज्वाइन करने के जो बेनिफिट है वो मैं आज आपको बताता हूँ। देखो एमसीएन ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपकी CTR की टेंशन खत्म, जो कि एडसन पे बहुत होती है। एडसन पे आप CTR को कंट्रोल करके रखते हो, उसके बाद भी आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके CTR 10% से कम होने के बावजूद भी इनवैलिड क्लिक के चलते उनका एडसन 30 डेज के लिए सस्पेंड हो गया। अब ये दिक्कतें आपको MCN पे नहीं मिलेगी। MCN क्या करता है, अपने से खुद को चीज़ों को हैंडल भी करता है और आपके चैनल को प्रमोट भी करता है, आगे आपके चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प मिलती है। दूसरा फायदा इसको, अगर आप MCN को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये खुद से एक टूल्स देता है, जैसे कि आप TubeBuddy जब डालते हो अपने YouTube पे तो आपको टूल्स मिल जाते हैं, थंबनेल बनाने का और टैग डालने का, किसी के टैग्स देखने का, तो आपकी हेल्प होती है। वैसे ही टूल्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जब आप MCN ज्वाइन करोगे, तो उससे आपका ये भी बेनिफिट हो गया। दो बेनिफिट मैंने आपको बता दिया। तीसरा बेनिफिट मैंने आपको बताया कि एड्स ज़्यादा आएंगे, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एड्स इसमें ज़्यादा आते हैं। तीन बेनिफिट हो गए, और बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ कि मैंने, सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर ये भी है कि $100 होने पर एडसन हमें पेमेंट करता था, लेकिन MCN में ऐसा नहीं है। MCN में आपके चाहे एक महीने में $2 हो, $3 हो, $4 हो, वो आपकी हर महीने पेमेंट देगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो 4 फायदे ये हो गए। तो इस तरीके से आपको MCN के फ़ायदे भी हैं,
भले ही आपसे वो पैसे लेता है लेकिन उसके फायदे भी है। एडसन के अंदर आपको पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि वो कमीशन नहीं लेता, सिर्फ कमीशन लेता है यूट्यूब। यूट्यूब आपको दोनों कंडीशन में लेगा, चाहे आप एमसीएन में हो चाहे एडसन में हो, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बोल दिया कि अगर आप कोई भी एमसीएन ज्वाइन करते हो तो प्लीज़ टर्म एंड कंडीशन ज़रूर पढ़े, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो भी एमसीएन होते हैं उनके ज़्यादातर जो लिमिट होती है 2 साल की होती है, 2 साल के पीरियड लॉक कर देते हैं वो आपको। इसका मतलब होता है अगर आपने एमसीएन ज्वाइन कर लिया तो 2 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिसके अंदर आप पीरियड लॉक 30 डेज़ का भी होता है, और अपने से खुद से भी आप उनको बोल के चेंज करवा सकते हैं। जैसे आप बोल के अपना परसेंटेज कम करा सकते हो कि मैं आपको 20% दूंगा, इस तरीके से आप पीरियड लॉक से भी बाहर आ सकते हो। तो मैं आपको राय दूंगा, अगर आप इंडियन हो, इंडिया मतलब हिंदी में वीडियोस बनाते हो और इंडिया में रहते हो, तो आपको ज्वाइन करने चाहिए इंडिया के ही एमसीएन नेटवर्क। एमसीएन के फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, मल्टी चैनल नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये हमें एड्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपको इंडियन वाले ही करने चाहिए जिससे आपके कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी हो सके। तो इसके अंदर सबसे अच्छा, जो भी मैंने अभी तक जितने भी लोगों से सुना है जो एमसीएन यूज़ करते हैं, उसके अंदर सबसे अच्छी जो रेटिंग निकल के सामने आई है वो फ्रीडम इंडिया की आई है। तो फ्रीडम इंडिया बहुत अच्छा एमसीएन है, तो आप उसको ज्वाइन करें तो उसमें। लेकिन मैंने आपको जैसा कहा है कि पहले ही सब चीज़ क्लियर कर ले, उसके बाद ही ज्वाइन करें, वरना आप फंस गए तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे। क्योंकि पीरियड लॉक वाले के हिसाब से तो ये हो गया कि हम बंद गए, हम बाहर निकलना चाहें तो निकल नहीं सकते। तो पीरियड लॉक वाला आप ज्वाइन मत करना, आप 30 डेज़ वाला हो तो कर लेना, 60 डेज़ हो तो कर लेना, लेकिन 2 साल वाला तो भूल के ही मत करना, ठीक है। और अपना परसेंटेज उनसे जो भी करना हो कर लेना। तो फ्रीडम इंडिया एक हो गया, और दूसरा होता है फुल टाइम, और एक होता है फुल स्क्रीन, ठीक है। तो 3 मैंने रिसर्च करे थे, तो 3 के अंदर टॉप के अंदर ये है और बाकी 2 भी अच्छे हैं। तो इन 3 में से आप किसी को ज्वाइन करें। अगर आपको नया चैनल है तो नए चैनल वालों के लिए तो सही रहता है। मैं भी सोच रहा हूँ अभी मेरी बस एडसन में $100 हो जाए, उसके बाद मैं एमसीएन ही ज्वाइन करने वाला हूँ। क्योंकि शुरुआत में ही क्या होता है, एडसन के ऊपर ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स आती है हमें इनवैलिड क्लिक्स की, क्योंकि और एडसन बंद होने का भी डर रहता है। जब एक बार हम अच्छा ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि हमें ग्रो करने में भी हेल्प करता है, उसके बाद हम चाहे उसे छोड़ के एडसन में वापस आ सकते हैं। तो एक बार ही मेरी इसकी पेमेंट आउट हो जाएगी तो मैं एमसीएन ही ज्वाइन करूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी वीडियो मैं आपको लाके देता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।